नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड की डीवा कहे जाने वाली सोनम कपूर अभी अभी मां बनी है। ऐसे में एक्ट्रेस ने अभी पर्दे से दूरी बनाकर अपना पूरा फोकस अपने बच्चे के ऊपर दे दिया है। वहीं सोनम और आनंद ने अपनी बेटी का नाम वायु रखा है। हालांकि अभी तक कपल ने बेटे का चेहरा नहीं दिखाया है। वहीं सोनम ने अब अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो गई है। दरअसल सोनम कपूर ने अपने बेटे की नर्सरी की डिजाइन तस्वीरें पोस्ट की है। ये तस्वीरें उनके मुंबई स्थित बेटे की कमरे की है। उनके बेटे की कमरे के लिए उन्होंने व्हाइट और ग्रे थीम रखा है, साथ ही प्रकृति की कई स्केच दीवारों पर बनवाया है। वहीं कमरे को देखने के बाद उनकी डिजाइन और दीवारों की रंगों से नजरें हटाना जैसे मुश्किल सा हो गया है। वहीं सोनम कपूर ने नर्सरी के लिए लकड़ी के फर्नीचर को भी चुना है। कमरे की सजावट काफी अच्छे से की गई है। वहीं कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां भी दिख रही है। कमरे के फर्श पर कई खिलौने पड़े हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही बच्चों के कुछ टी शर्ट और छोटे छोटे से कपड़े हैंगर में टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, यह पोस्ट उन लोगों के लिए एक प्रशंसा पोस्ट है जिन्होंने मेरी माँ की मदद की और मैंने अपने बच्चे के आगमन के लिए सब कुछ एक साथ रखा। वहीं तस्वीर देखने के बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सोनम ने बेहद ही खूबसूरत तरीके से हर एक चीज का ध्यान रखते हुए अपने बेटे वायु के कमरे को डिजाइन किया है। कमरे में किसी भी चीज की कमी नहीं दिख रही है। लैंप, सॉफ्ट टॉय और फोटो फ्रेम से लेकर कमरे में हर वो बेसकीमती चीजों को रखा गया है जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा सके। वहीं अब सोनम के फैंस उनके बेटे की पहली झलक भी देखने के लिए काफी बेताब दिख रहे हैं। लेकिन सोनम अब अपने बेटे की तस्वीर कब पब्लिक करती हैं ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इन सबसे हटकर आपको सोनम के बेटे का कमरा कितना पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।